Please subscribe our channel Quest India and press bell icon for all notification. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बलबीर सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूं एक नया वीडियो लेके, और ये वीडियो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से रिलेटेड है। परंतु इसके साथ साथ में जो वैकेंसी और भी हैं वो है प्रोफेसर की वैकेंसी, इसके साथ में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी भी यहाँ पे हैं। ये कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश जिसको शॉर्ट में यूपी कहते हैं, यूपी का एक विश्वविद्यालय है उसके अंदर ये वैकेंसी है। इसके बारे में कंप्लीट हम जानेंगे कि कहाँ पे ये हैं, फीस इसकी कितनी है, क्या क्या यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है, किस प्रकार के आपको क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए। परंतु उससे पहले एक दो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की वैकेंसीज हैं, उस टॉपिक के बारे में हम जान लेते हैं, और इसको पूरा आप देखने के लिए वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखें। अब हम बात कर लेते हैं कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर ये वैकेंसी निकली है। मैं सबसे पहले आपको एडवर्टीजमेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, ये है एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंदर, और ये विज्ञापन है शैक्षणिक पद से रिलेटेड ये वैकेंसी है। इसके अंदर कुछ चीज़ें बता रखी हैं। पहले बता रखे कि इच्छुक अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट संयुक्त आचार्य या सहायक आचार्य, मतलब कहने की जो बात है आप उसको समझ ले कि असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर, उनके लिए ऑनलाइन वैकेंसी हैं जो 14/12/2019 यानी कि 14 दिसंबर 2019 से ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर मांगी गई हैं। लास्ट डेट इसकी है 5 जनवरी 2020 तक, आपको यहाँ पर तुरंत ही अप्लाई कर देना चाहिए। उसके बाद में बताएगा कि ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत आपको 100 प्रमाणित यानी कि सेल्फ टेस्टेड अभिलेख, आपके सारे डॉक्यूमेंट या फिर उसके साथ में जो भी सर्टिफिकेट आपके हैं वो सब कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश, और ये है पिन कोड, इस पते पर पंजीकृत या स्पीड पोस्ट डाक से भेज दें। कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 8/1/2020, लास्ट डेट है आपकी 5 जनवरी 2020, और कार्यालय में पहुंचाने तक यानी कि ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए, वो हो जाने चाहिए आपके 8 जनवरी 2020 तक। अब देखते हैं हम एडवर्टीजमेंट जो हमारे सामने इस प्रकार है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर नाम लिखा हुआ है, बैज लिखा हुआ है कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे पिन कोड मेंशन कर रखा है। उसके बाद में है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी गई है। मैं आपको 3 प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे दिखाऊंगा। पहले दिखाऊंगा मैं प्रोफेसर की, फिर दिखाऊंगा मैं आपको एसोसिएट प्रोफेसर की, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो तीनों वैकेंसी के अंदर जो टर्म एंड कंडीशन है वो सारी की सारी सेम है। तो एक बार टर्म एंड कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बाकी में नहीं करेंगे, बाकी में हम सिर्फ वैकेंसी को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग के अंदर है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे बात है, और यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बता रखा है कि पोस्ट है प्रोफेसर की 7th CPC लेवल 14 के अनुसार ये वैकेंसी है। उसके बाद में पे बता रखी है 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि ड्यूली कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, आपके द्वारा पूर्णतः एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए, सेल्फ टेस्टेड आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और वो रजिस्ट्रार दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर में पहुँच जाने चाहिए स्पीड पोस्ट के द्वारा या फिर रजिस्ट्री के द्वारा, और लास्ट डेट आपकी 8 जनवरी 2020 जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा नीचे देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर कौन सी वैकेंसी है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखें तो ये है प्रोफेसर से रिलेटेड है, और इसके अंदर आप देखिए ये है कि जैसे इकोनॉमिक्स की एक वैकेंसी है, इसी प्रकार से माइक्रोबायोलॉजी, हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, और नीचे थोड़ा सा चलेंगे तो एंशियंट हिस्ट्री आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है, और ये कुछ जैसे केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, बिजनेस और कॉमर्स, लॉ, एजुकेशन की कुछ वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था कि टर्म एंड कंडीशन या फिर हम बात करें गाइडलाइन की, वो सभी के अंदर सेम है। तो सबसे पहले हम प्रोफेसर के बारे में ही देख लेते हैं कि टर्म एंड कंडीशन और गाइडलाइन क्या है, उसके बाद में हमें वैकेंसी देखनी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि यदि आप डिटेल में क्वालिफिकेशन या अदर चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको जाना होगा
www.ddugu.ac.in। ये UGC की साइट है, इसके ऊपर आपको टर्म एंड कंडीशन, सारी की सारी क्वालिफिकेशन और इसके अंदर डिटेल अदर चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद में है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे मांगी गई है और वेबसाइट पे जो 14/12/2019 को आ गई थी और लास्ट डेट 5 जनवरी 2020 है। फिर इम्पोर्टेंट टास्क है यहाँ पे फीस के बारे में, जनरल के लिए फीस है 1500 रुपये। उसके बाद में OBC और EWS कैटेगरी के लिए 1500 रुपये ही है, परंतु SC ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे फीस है 1000 रुपये। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा एप्लीकेशन आपकी डाउनलोड की जा सकती है, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको Part 1 और 2 में आप डाउनलोड कर लें और उसे कंप्लीट भर लें। ये सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन प्रोसीजर के बाद करना है, जब आप ऑनलाइन फॉर्म भर दें उसके बाद ये करना है। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो Part 1 है और 2 है, इन दोनों को आपको भरना है और उसके बाद इसकी दोनों ही पेजेज यानी कि दोनों ही पार्ट को आपको रजिस्ट्री पोस्ट के द्वारा भेजना है, 8 जनवरी 2020 तक पे पहुंचना चाहिए। उसके बाद में ये लिखा कि कैंडिडेट जिसने पहले अप्लाई कर रखा है उसे दोबारा से फीस देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ अपनी फीस की डिटेल यहाँ पे बतानी होगी। उसके बाद में और पॉइंट है, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले ही हाईलाइट करके रखे ताकि हमारा समय बच सके। यहाँ पे लिखा कि कैंडिडेट मस्ट राइट, कैंडिडेट को अपना नाम, पोस्ट का नाम, सब्जेक्ट, कैटेगरी, एडवर्टीजमेंट नंबर, वो सारी की सारी एनवेलोप पे यानी लिफाफे के ऊपर जिस भी पैकेट में आप डालें उसके ऊपर ये लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में है रिजर्वेशन का जो रूल है यानी कि जो गाइडलाइन टर्म एंड कंडीशन जो है वो UP स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार होगी। फिर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं और अब हम पहुंचेंगे एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी पे, और यहाँ पे 7 CPC लेवल के अनुसार है, जैसे 13 लेवल यहाँ पे है। सैलरी कितनी है, 1,31,400 रुपये से लेकर 2,17,000 रुपये तक यहाँ पे सैलरी है। बाकी जो कंडीशन है वो सेम रहेंगी। हम देख लेते हैं वैकेंसी को, यहाँ पे वैकेंसी है जैसे आप ये देखेंगे कि जैसे इकोनॉमिक्स की यहाँ पे जनरल की एक है, OBC की एक है, ST की एक है, इसी प्रकार से हिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिलोसफी, एंशियंट हिस्ट्री, जूलॉजी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, ये और भी कई सारी पोस्ट यहाँ पे हैं जैसे कि केमिस्ट्री, डिफेंस की, बॉटनी की, कॉमर्स की, लॉ की, एजुकेशन की, सोशोलॉजी, संस्कृत, हिंदी और इस प्रकार से वैकेंसी यहाँ पे दे रखी हैं। बाकी जो टर्म एंड कंडीशन वही सेम है, फीस के बारे में जैसे 1500 रुपये ही है जनरल के लिए और SC और ST के लिए 1000 रुपये यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और ये आता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन, क्योंकि जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रोज़गार सबको चाहिए और हम भगवान से यही कामना भी करते हैं कि सबको रोज़गार बहुत ही जल्द मिल जाए। यहाँ पे जो दे रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में दे रखा है और ये बता रखा है कि Level 10 के अनुसार और 7 CPC के अनुसार सैलरी होगी, जो 57,700 रुपये से लेकर 1,82,400 रुपये है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे देखेंगे तो हमें वैकेंसी बता रखी हैं और ये वैकेंसी इस प्रकार से हैं। ये वैकेंसी हैं जैसे इकोनॉमिक्स की हैं यहाँ पे 2, हिस्ट्री की वैकेंसी है, इंग्लिश की, बायोटेक्नोलॉजी, फिलोसफी, एंशियंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, कल्चर और जूलॉजी, एडल्ट एंड कंटिन्यू एजुकेशन, ज्योग्राफी के बारे में वैकेंसी है, साइकोलॉजी की है, इसी के साथ में महायोगी गुरु के बारे में वैकेंसी है, केमिस्ट्री के बारे में वैकेंसी है और नीचे देखेंगे तो डिफेंस, कॉमर्स, एजुकेशन, संस्कृत, हिंदी, पत्रिका के बारे में अलग अलग टाइप की यहाँ पे वैकेंसी हैं। टोटल जो वैकेंसी हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, ये अलग अलग कैटेगरी की हैं, जनरल की जैसे 8 हैं, फिर कैटेगरी में 8 हैं, फिर दूसरी कैटेगरी में और तीसरी कैटेगरी के अंदर। यदि हम कैटेगरी वाइज इसको जनरली ध्यान करें, सबसे पहले जनरल के लिए, फिर OBC का, फिर SC और ST और उसके बाद में है EWS कैटेगरी। EWS कैटेगरी की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है यहाँ पे 13। टोटल जो वैकेंसी है मैंने थंबनेल के ऊपर ही आपको बता दिया था, ये वैकेंसी है 105 तीनों कैटेगरी को मिला के, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर तीनों को यदि हम मिला दें तो टोटल वैकेंसी बनती है 105। बाकी इसके अंदर यहाँ पे यदि देखिए तो सेम वही गाइडलाइन और टर्म एंड कंडीशन सेम है जो हमने प्रोफेसर में पढ़ी थी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट मैंने कर रखी है, द एक्चुअल नंबर ऑफ पोस्ट में वेरी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आप इंटरव्यू पे जाएंगे तो हो सकता है इनके अंदर वैकेंसी बढ़ा दी जाए, हो सकता है एक आध कम भी हो जाए, परंतु ये चांस बहुत ही कम होते हैं कि वैकेंसी कम हो जाए, ज़्यादातर केसेज के अंदर वैकेंसी बढ़ती ही है। तो दोस्तों यही था बस इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ में लाइक भी करें और हो सके तो वीडियो शेयर भी करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।